Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक generalized reading लेकर आई हूँ, जो कि जुलाई 2022 के लिए है. आज की reading Leo, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है. ये एक generalized reading है. हो सकता है ये reading आपके साथ completely resonate हो सकता है ये reading आपके साथ partially resonate हो सकता है ये reading आपके साथ बिल्कुल भी resonate ना करे. So, अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे. इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका जोडिक साइन है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा. सो देखते हैं जुलाई का महीना. जनरल एनर्जी की टर्म्स में लियो पीपल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है. व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लियो पीपल फॉर जुलाई 2022? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लियो पीपल फॉर जुलाई 2022? व्हाट आर द जनरल एनर्जीज? क्या जनरल एनर्जीज रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं. सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, यहां पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहां पर द डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहां पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहां पर. सो लियो पीपल, इस महीने में आपकी लाइफ में किसी ना किसी स्फीयर में थर्ड पार्टी एनर्जी बनी ही रहेगी. मतलब अगर मैं कहूं कि अगर आपकी लाइफ के 5 स्फीयर्स हैं तो उस स्फीयर्स में से कम 4 स्फीयर्स में थर्ड पार्टी एनर्जी बनी रहेगी, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस रहेगी. और साथ में इस महीने में कोई सोशल इवेंट के लिए आपको इनविटेशन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है. लेकिन बॉटम एनर्जी यही रहेगी कि हमेशा जो भी आप काम करने जाएंगे उसमें एक थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होती रहेगी. सो जब हमें पता है कि एनर्जी इस तरह की है तो इस थर्ड पार्टी से बचाव हमें खुद ब खुद करना है. उसका बचाव कैसे हो सकता है? आप तीसरा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करता है उसकी बात सुनिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को मोल्ड करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है. यहां पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. किसी एक स्फीयर में आपको बहुत ज्यादा चिंता बनी रहेगी, आपको रातों को नींद नहीं आएगी, स्लीपलेस नाइट्स आप गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है. रात को बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, सारे दिन में आप काम करेंगे, थकावट रहेगी आपको, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी बिकॉज ऑफ योर टेंशन किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर में, ठीक है. सो यहां पर एक इमोशनल इम्बैलेंस्ड स्फीयर नजर आ रहा है. यहां पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. इस महीने में आप अपने आप में ये महसूस करेंगे कि आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको उस तरह के फल नहीं मिल रहे हैं. यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिल रहे हैं, आप वक्त से पहले फल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपकी फेवर की नहीं है, चीजें आपके हक में नहीं चल रही हैं, ठीक है. जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है किसी भी चीज को लेकर, ओके. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. इस महीने कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिलने वाला है जिससे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी और वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी. ये जो प्रपोजल है
ये सिर्फ आपको एक 3D में स्टेबिलिटी नहीं देगा, बल्कि ये प्रपोजल आपको आपकी इमोशनल कंटेंटमेंट भी देगा। अब ये प्रपोजल कौन से स्फेयर में है वो तो हम आगे चेक करेंगे, बट स्टेडी धीरे 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 ऐसी ग्रोथ होगी जो कि आपका 3D प्लस आपकी इमोशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर रही है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है, और हो सकता है कि आप कोई जॉब की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जिससे आपके इमोशंस भी जुड़े हों, तो वो जॉब भी आपको मिल सकती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। इस महीने में आप पैशनेट तो होंगे, बट कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है। कोई कार्मिक बॉन्ड आपकी लाइफ में ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, और आपको इल्यूजन की एनर्जी भी होगी। आपका पैशन तो ठीक है, लेकिन उस पैशन की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना ये भी हमारा ही काम होता है, और आप ये तब कर पाएंगे जब आप इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। तो इस महीने में कोई कार्मिक है जो आपको तंग करने वाले हैं, लेकिन इस कार्मिक एनर्जी को ओवरकम करने का भी तरीका ये होता है कि हम ज्यादा उस चीज को लेकर स्ट्रेस्ड ना रहें। मींस हमेशा अगर हम यही सोच रहे हैं कि एनर्जी तो हमारे लिए ये चल रही है और ये पर्सन हमारे लिए मुसीबत पैदा करने वाला है, ये कर रहा है, तो वो चीज को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उस एनर्जी को अपनी तरफ को आपने बढ़ाना नहीं है। एनर्जी चल रही है ऐसी, हो सकता है कई कई लोगों के केस में ये एनर्जी 100% रिजल्ट दे, कईयों के केस में 80% हो सकता है, और कई ऐसे भी हैं जिनमें 10-20% हो सकता है। और वो 10-20% को आप खुद 100% तब बना लेंगे जब आपको ये बात पता है कि कोई कार्मिक सिचुएशन आपको परेशान करने वाली है, और आप ये सोच रहे हैं कि आज तो परेशानी हुई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल इस कार्मिक की वजह से परेशानी होगी, तो वो चीज को आप खुद अपने एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप दो सिचुएशन के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं। डिसीजन बनाना दो सिचुएशंस के बीच में आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहने वाला है लियो पीपल। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने आपको ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। जितना क्लियर आपका विजन होगा उतना आसान होगा आपके लिए कोई भी डिसीजन बना पाना। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप इमीडिएट एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने में, और बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव होंगे। अगर आपसे कोई ये बात कहेगा कि आप गलत हैं, तो आप उसे प्रूव कर देंगे कि आप सही हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन ही गलत है। इस महीने में बहुत ही स्पीड से आप एक डायरेक्शन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी एक्साइटेड, काफी पैशनेट, बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक। अब ये कौन सी डायरेक्शन है ये तो अभी हम आगे चेक करेंगे। यहां पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में किसी एक स्फीयर में आपको लगभग अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। कंटेंटमेंट मिलेगी, सैटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए, इस एनर्जी को एनहांस कीजिए। अगर ये आपकी लाइफ के अंदर 90% है तो इसे 100% बनाइए, ठीक है। गलत एनर्जी को मैनिफेस्ट मत कीजिए। बार बार एक ही चीज को सोचते जाएंगे तो वो एनर्जी तो ऑलरेडी चल रही है, उसका लेवल थोड़ा सा हायर हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप लियो पीपल आपको ये जनरल एनर्जी क्लियरली समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ इस महीने में किस तरह की रहने वाली है। लियो पीपल, इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी, आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लियो पीपल, जुलाई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर 10 of Wands का कार्ड है। यहाँ पर 10 of Swords का कार्ड है, यहाँ पर Queen of Cups का कार्ड है, यहाँ पर 8 of Wands का कार्ड है, 3 of Cups का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, यहाँ पर Knight of Cups का कार्ड है, 9 of Swords का कार्ड है, 2 of Wands का कार्ड है। सो लियो पीपल, पहले हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो एक सेपरेटेड जोन में है, जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। इस महीने में इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं आप बर्डन महसूस करेंगे, और ये बर्डन क्यों होने वाला है उसे अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बट इस महीने जो लोग सेपरेटेड जोन में है, आपके पार्टनर आपसे कॉम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉम्युनिकेशन होगा, ठीक है। आपका ये जो पेनफुल साइकिल है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बट कम्युनिकेशन वैसा नहीं होगा
जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर से बात करके आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर एक मेस क्रिएट कर दिया है और आपके पार्टनर अपने जीवन के अंदर एक बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और उस परिस्थिति से कैसे निकलना है वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपसे जब बात करेंगे तो वो आपको डिले की एनर्जी के अंदर लेकर जाएंगे कि अभी ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, अभी तो अपने जीवन में वो खुद ही बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। आपके पार्टनर का आपको कांटेक्ट करना आपको इमोशनल कंटेंटमेंट तो बहुत ज्यादा देने वाला है, लेकिन आपके पार्टनर के हालातों को सुनकर आपको रातों को नींद नहीं आएगी, आप बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ और सोचा था, लाइफ किसी और ट्रैक पर आपको लेकर जा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप स्लीपलेस नाइट्स गो थ्रू करेंगे। आपकी लाइफ का भी एक टावर मोमेंट उस टाइम पर आएगा जब आप अपने पार्टनर से ये सारी बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर का आना और आपको फिर भी उस तरह की कमिटमेंट ना देना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा धक्का देने वाली है। इस वजह से आप इस रिलेशनशिप को लेकर बर्डन महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही बार होगी, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करते रहेंगे और इस महीने के लास्ट तक आप अपने पार्टनर के इमोशंस को सुनेंगे समझेंगे, बट आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे और आप फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिशें करना स्टार्ट कर देंगे। बर्डन रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा ऑलरेडी मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत काम किया है और अब फिर आपके पार्टनर आपके पास आए हैं तो वो रिश्ते पर ही आपसे काम करवाना चाहते हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा बर्डन करेगी, आप बहुत ही ज्यादा अपने आप में ब्रोकन महसूस करेंगे कि सारी उम्र क्या इस रिश्ते के लिए मुझे काम ही करना है, क्या मुझे अपने पार्टनर के लिए सिर्फ काम ही करना है, क्या मैं अपने पार्टनर के साथ कभी खुश नहीं रह सकता या रह सकती, ऐसी भावनाएं आपके अंदर आएंगी। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में है। इस महीने में आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप दोनों का रिश्ता एक टावर मूवमेंट को गो थ्रू करने वाला है। आपका ये रिश्ता अचानक से खत्म भी हो सकता है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को इमीडिएटली स्टॉप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ के अपने इस रिश्ते के डिसीजंस बनाने वाले हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, रातों को आप सो नहीं पाएंगे कि अचानक से क्या हो गया, और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आपके लिए ये रिश्ता बर्डन हो जाएगा। आपके जो पार्टनर है वो इमीडिएटली आपसे एक डिस्टेंस बना लेंगे, हो सकता है वो आपके साथ एक ही घर में रहें और फिर भी आपसे बात ना करें, ठीक है, और आपका एक हंसता खेलता रिश्ता एकदम से बिखराव की तरफ को चलना शुरू हो जाए, इस तरह की एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो लियो पीपल, अगर आपको जो नॉन सेपरेटेड जोन में, अगर आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आते हैं कि पहले तो आपके पार्टनर बहुत इमोशनल थे, आज वो आपके साथ कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर ये आपसे कह रहे हैं कि इस रिश्ते में अब उन्हें वो मजा नहीं आ रहा है या वो इस रिश्ते में अपने आप को खोते जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुई है, उस टाइम पर अपने इस रिश्ते के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प आपको लेने की जरूरत है, इस बात को समझ लीजिए। ओके, जो लोग सिंगल्स हैं, ये वक्त किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने का नहीं है आपके लिए, आपको किसी भी रिलेशनशिप में इस मंथ में एंटर नहीं करना है। अगर आपने इस मंथ में किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो आने वाले ही नेक्स्ट मंथ में आपको उसी रिलेशनशिप से पेन मिलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसा मत कीजिएगा, डिसीजन जल्दबाजी में मत बनाइएगा, मैरिज की एनर्जी नहीं है यहां पर, कोई भी ऐसी एनर्जी आपके लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा सिंगल्स। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी लियो पीपल। सो अब हम देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो लियो पीपल, ये महीना, जुलाई का मंथ, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। सो बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो लियो पीपल, इस महीने में आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपकी जॉब, सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। फ्यूचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बेस्ट होंगी और उनकी शुरुआत इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगी। आप अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट महसूस करने वाले हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर आप हैप्पीली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ में जो भी आप डिसीजन अपने करियर के रिगार्ड में बनाने वाले हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस बनाइएगा, शॉर्ट टर्म डिसीजंस नहीं बनाने हैं। इस मंथ में आप अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर एकदम केयरफ्री होकर रह सकते हैं और ये एनर्जी आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको टेंशन नहीं हो रही है, आपके फाइनेंसेस अपने आप स्मूथ चलने वाले हैं, ठीक है। इस महीने में आपको फाइनेंशियली कोई एक ऐसा प्रपोजल मिलने जा रहा है जो धीरे 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 आपकी ग्रोथ करेगा, ठीक है। जहां पर धीरे धीरे ग्रोथ होती है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बट इस महीने आपको ऐसा लगेगा आप जो मेहनत कर रहे हैं ना उसका फल आपको इमीडिएटली मिलना चाहिए, बट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। और इस वजह से थोड़ी सी निराशा आपको ये होगी कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उस तरह का फल नहीं मिल रहा है। इस एनर्जी से टैप आउट कीजिएगा, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, क्योंकि जो फल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप इमीडिएट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं बार बार आपको ये चीज बोल रही हूँ, आपकी लाइफ ठीक होती हुई नजर आ रही है करियर की टर्म्स में, लेकिन आप उस ग्रोथ से उस टर्म्स में खुश नहीं होंगे, ओके। इमोशनल कंटेंटमेंट होगी कि हाँ मैंने अपना 100% दिया, जो वहां से रिजल्ट आ रहा है उससे आप उतने ज्यादा खुश नहीं होंगे। इस महीने में कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेगा, आपके फाइनेंसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा और ये पर्सन आपका बहुत ही करीबी होगा। इस पर्सन के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे, ये चीज मत कीजिएगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन आपको आपका डिसीजन बदलने के लिए कहे तो आपको नहीं बदलना है। आप अपने फाइनेंसेस में कैसी ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं वो आपको इस पर्सन के साथ शेयर नहीं करना, इसके साथ के किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है, ओके। तो फाइनेंसेस में एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अगर अभी तक आप जॉबलेस हैं तो जॉब मिल सकती है, स्टार्टिंग में उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे नई जॉब पर, बट धीरे धीरे वो कंफर्टेबल जोन आपका बनता जाएगा एंड जॉब में लोग जो आपके एफर्ट्स हैं उसको देखकर बड़े हैरान होंगे, बट आपको ये लग रहा होगा कि ये सब कुछ तो नॉर्मल सी चीजें हैं। लोग आपके पैशन को देखकर बहुत हैरान होंगे, ठीक है, लेकिन आप उस चीज से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे, ये भी मैं आपको यहीं पर ही बता रही हूँ। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जी क्लियर हो गई होगी लियो पीपल। सो लियो पीपल, नाउ लेट्स सी ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आपकी हेल्थ इस महीने में किस तरह की रहेगी। लेट्स सी लियो पीपल, इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। लियो पीपल, लेट्स सी आपकी हेल्थ इस महीने में किस तरह की होगी। सो बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर नेक्स्ट इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। लियो पीपल, एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एप्रीहेंशन के मोड से निकलिए, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा आपकी हेल्थ खराब हो रही है बट वो एक्चुअली खराब नहीं हो रही है, आप उस एनर्जी को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस रखिएगा, मेहनत कीजिएगा अपनी हेल्थ को लेकर, जो जो प्रिकॉशंस आपको लेने के लिए डॉक्टर्स ने बताए हैं, परहेज करने के लिए बताए हैं, वो सभी चीजें कीजिए। ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है,
ठीक है, आपकी हेल्थ इस महीने में बल्कि इम्प्रूव होगी अगर आप मेहनत करेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, कॉन्शियस रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। और जो आप अपनी हेल्थ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आई थिंक लास्ट मंथ में आपकी हेल्थ डिट्योरेट हुई है और अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज आपकी हेल्थ में आ सकता है अगर थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे आप तो, ठीक है। सो यहां पर आपकी हेल्थ के लिए एनर्जीज अच्छी हैं। अब हम देखते हैं ये महीना उन लोगों के लिए कैसा है जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं। आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे इस मंथ में, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? लियो पीपल, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है, यहां पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो लियो पीपल, वक्त बदल रहा है इस मंथ में, आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एक्चुअली आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं इस महीने में कि आप यहां पर इन्वेस्ट करें, यहां पर इन्वेस्ट करें, यहां पर इन्वेस्ट करें, तो आप एनालिसिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। यहां पर मैं एक बात कहूं तो ओवर एनालिसिस की स्टेट नजर आ रही है, आप सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से बढ़कर और भी बहुत सारी चीजें आप सोचेंगे, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि अभी कर लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद विड्रॉ कर लेंगे, और आपको ये भी होगा कि शायद पैसा डूब जाएगा। इन सारी परिस्थितियों को आपको कंट्रोल करना है। आप इस मंथ में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर भी करना चाहते हैं उसका आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो एक बैलेंस आ जाएगा आपके फाइनेंसेस को लेकर, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर आप लैंड खरीदना चाहते हैं इस महीने में, बहुत अच्छा वक्त है, मार्स की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी और वो लैंड आपको फायदा देगा। घर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं इस मंथ, ओके। आप लैंड भी खरीद सकते हैं, आप फ्यूचर में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी लियो पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके कॉम्पिटेटिव्स के लिए किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटेटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो अपने विजन को क्लियर कीजिए। इस मंथ में आपका उतना फोकस बनता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप ज्यादा फोकस नहीं रहने वाले हैं अपने करियर को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। और इस एनर्जी से आपको बचना है, आपको गाइडेंस मिलेगी इस महीने में किसी पर्सन से, आपको गाइडेंस मिलेगी आपके पढ़ाई के रिगार्ड में। अगर उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो इस हैंग्ड मोड से निकल जाएंगे, नहीं तो इस मंथ में आप ये सोचेंगे कि अभी आज एक चैप्टर कर लेते हैं फिर शाम तक ये हो जाएगा, नहीं हाफ ही कर लेते हैं, और रात तक ये हो जाएगा, चलो दो ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस महीने में थोड़ा सा टफ है, जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए भी चीजें टफ है, बट टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर चीजों को अपने कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें, अपने इल्यूजन की एनर्जी को अपने कंट्रोल में रखें, तो मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली फल मिलेगा। लेकिन यहां पर इल्यूजन बहुत ज्यादा होने वाली है। आपके हिसाब से आपको सब कुछ आता है, जो पेपर में आएगा वो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, इस तरीके की एनर्जी भी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। सो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम थोड़ा सा टफ रहने वाला है। अगर जो कॉम्पिटेटिव आप देने वाले हैं, अगर वो लास्ट चांस है आपका इस मंथ में, तो मत दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइम एनर्जी आपको उतना ज्यादा फेवर नहीं करेगी। सो अब देखते हैं इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। लियो पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन।
आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है लियो पीपल, लेट्स सी दैट। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन लियो पीपल, देखते हैं। यहां पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। सो लियो पीपल, इस मंथ में आपको सच की आवाज बनना है, आपको स्ट्रांग रहना है, फोकस करना है अपने पर्पस पर। आपको जो डर है ना कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, लोग आपको कहीं गलत तो नहीं सोच रहे हैं, इस डर को रिलीज करना है और सच की आवाज बनना है। आपको चाहे कुछ भी हार्म हो रहा हो, आप सिर्फ सच ही कहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो लोग सच बोलते हैं ना, उनके साथ कभी गलत होता नहीं है, ईश्वर अपने आप उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो आपको सच की आवाज बनना है। यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है, इस महीने में आपको हेवन के साथ कनेक्टेड रहना है, जो मांगेंगे वो मिलेगा, कनेक्शन डीप होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। प्योर कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन बनाने के लिए दो दो घंटे मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं होती है, कनेक्शन तो सेकंड्स में बन जाता है, लेकिन वो कनेक्शन प्योर और डीप होना चाहिए। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, अपने दिल पर अगर किसी चीज को लेकर आपको बर्डन महसूस होगा इस मंथ में, तो आपको क्लियरली बोलना है, जिस पर्सन को लेकर आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन गलत कर रहा है या आपको उसकी बात कोई बुरी लग रही है, तो अपनी बात को कहिए, ओपनली कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन प्यार से बात कीजिए। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो दूसरा इंसान सुनेगा। और इस मंथ में अपने हार्ट चक्रा पर और अपने थ्रोट चक्रा पर आपको मेडिटेट जरूर करना है। थर्ड आई चक्रा पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जो प्रॉब्लम विटनेस करने के लिए मिलेगी वो है आपके हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पर। तो आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं दोनों चक्रास के लिए, या फिर आप हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, ओके। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है, उसमें मैं जो भी उपाय बताऊंगी आपको, वो सभी उपाय फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल पर आती है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस उसी चैनल पर रोज रात 8 बजे पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो आपको वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस जरूर फॉलो करनी है। यहां पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, इस मंथ में आपके जो ड्रीम्स हैं, वो विजन्स हैं, वो डेफिनेटली रियलिटी बनेंगे, लेकिन जरूरत क्या है, फोकस रहने की, और फोकस विदाउट इल्यूजन, ठीक है। जितना ज्यादा फोकस रहेंगे आपके ड्रीम्स को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो फोकस रहने के लिए भी मेडिटेशन करने की ही जरूरत है। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है, इस मंथ में आपको अपनी लाइनेज के साथ कनेक्ट करना है, जो आपके पूर्वज हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करना है, आपके पितृ हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करना है। एक फैमिली पैटर्न है जो इस मंथ में हील हो सकता है, इसलिए जो नो मून आएगा जुलाई के महीने में, उसमें आपको आपके पितरों के नाम का दान करना है। अनाज का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, दक्षिणा जरूर रखेंगे। अनाज में आप चावल, आटा, चीनी, उड़द की दाल, दूध, ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। और कपड़ों में आपको एक फीमेल का सूट, एक जेंट्स का सूट, अगर सूट नहीं रख सकते हैं तो कुर्ता पजामा रख दीजिए, टॉवल रख दीजिए, ये चीजें आप जरूर रखिए। और दक्षिणा में अगर आप 10 रुपए देना चाहते हैं तो 10 ही देंगे, उसके साथ 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन अमावस पर दान जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, इस महीने में आपकी सोल की एक्सपेंशन होने जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने जा रही है, आपको हर एक चीज के बीच में कनेक्शन समझ में आएगा। इस महीने में आप ओम का जाप रोज करेंगे जुलाई के मंथ में, और थ्रोट चक्रा के ऊपर आप फोकस बनाएंगे, क्लीन करेंगे, हील करेंगे अपने थ्रोट चक्रा को,
ओके और जो मेरे सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको जरूर करने हैं, तो वेडनेसडे और सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस जरूर फॉलो करनी है, और बाकी जो मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बताया है उसे भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी, आपका मोड ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं लियो पीपल इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं लियो पीपल जुलाई के महीने के लिए। लेट्स सी दैट, ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं जुलाई के मंथ के लिए। लेट्स सी। यहाँ पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है, वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गेट्स ऑफ ट्रायंफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। सो लियो पीपल, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो वक्त है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कहीं एनर्जी डिप ना हो जाए, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आपको डाउट अपने दिमाग में बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं है। ये टाइम हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने का है, अपने तरीकों को मेंड करने का है, और जो भी आपके फियर्स हैं उन्हें रिलीज करने का है। आप इस रास्ते पर चलिए, आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए, कहीं दोबारा से कोई मुसीबत ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं अपनी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। इस जर्नी का मैप ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, आप अभी तक इस पाथ पर सही चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को भटकाव की एनर्जीज में मत लेकर आइए, ठीक है। आपके लिए इस महीने में सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले हैं। आप इस सक्सेस की जो वेट है वो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आने वाला है जहां पर आप अंधकार में से निकलकर एक रोशन जहान में अपने कदम रखने जा रहे हैं। यहां पर ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। आपको डिवाइन के लिए ग्रैटिट्यूड इस महीने में जरूर एक्सप्रेस करना है, ईश्वर के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना है। जो आपके पास है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी थैंक यू, जो फ्यूचर में आपको मिलने जा रहा है उसके लिए भी थैंक यू। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी खुशियां बढ़ेंगी। अननोन टेरिटरी का कार्ड है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी नहीं पता लग रहा है कि आप कौन से रास्ते पर हैं, क्या ये रास्ता आपके लिए सही भी है या नहीं है, लेकिन ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, आप एग्जैक्टली वहां पहुंचने वाले हैं जहां ईश्वर आपको देखना चाहते हैं, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। अब आपके लिए अगला कुछ वक्त ऐसे आने वाला है जहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ आराम से बैठिएगा, रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। इस वक्त की वेट आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं लियो पीपल, और ये टाइम अब आपकी लाइफ में आने वाला है। सो आई होप लियो पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूं जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूं। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।